ग्लोबल भारत समझ खबर की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद देश की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है। चाहे यातायात के साधन हो या अर्थव्यवस्था और विकास, सब कुछ थम गया, तो वहीं लोगों के जीवन में भी पूरी तरीके से ठहराव आ गया। रोजमर्रा की वस्तुएं हो या इलाज, हर चीज के लिए अब आम आदमी को दर दर भटकना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा संकट में जूझ रहा है वह मजदूर जो ताबड़तोड़ मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था और विकास के पहियों को गति देता है। यह पूरा मामला प्रतापगढ़ जिले का है, जहां केशवराय में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए आए सैकड़ों मजदूर लॉकडाउन के बाद से परेशान हैं। ठेकेदार उन्हें छोड़कर अपने घर वापस चला गया और यह सभी मजदूर यहां पर फंस गए। अब उनके पास खाने के लिए भी ना तो अन्न का एक दाना है और ना ही पैसा। यह सभी मजदूर बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगाए गए हैं। बंगाल से? कितने दिन से काम कर रहे हो यहाँ पे? सर इधर काम दो महीने से। पेमेंट मिल रहा है? पेमेंट मिल रहा है सर, पेमेंट दिया है, लेकिन खाने का पैसा खत्म हो गया है। कंडक्टर को फोन कर रहा है, लेकिन बोल रहे सर सब कुछ तो बंद है, कैसे पैसे मिलेंगे। कंडक्टर भाग गया? कहाँ के रहने वाले? कितने दिन से काम कर रहे हो पे? हम दो महीना से आए सर, हमको 10 दिन भर काम किया, उसके बाद उसके बाद काम नहीं हुआ। तो खाना कैसे बन रहा है घर में? खाना 4000 रुपये देकर चला गया। उसके बाद नहीं आया? नहीं आया। घर पड़ता है झारखंड। कितने दिन से काम कर रहे हो? 3.5 महीने। पेमेंट की क्या पोजीशन है अभी? क्या पोजीशन है अभी? वही खर्चा नहीं मिल पा रही है ठीक से। खर्चा नहीं मिल पा रहा है लॉकडाउन के बाद? 12। कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हो? हमको 6 महीना हो चुके। अभी क्या पोजीशन है? आप लोगों को पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, अब तो इस समय कुछ नहीं मिल रहा है, जो पैसा बाकी है वो पड़ा है। हाँ। हमारा 52,000 रुपया पड़ा है यहाँ पर। अब ठेकेदार भी चला गया, हम लोगों के पास यहाँ खाने को नहीं है 1 रुपया। कंपनी कोई आदमी नहीं यहाँ पे? हाँ, कोई देखाते ही नहीं है। जब हमारा ठेकेदार नहीं है तो और किससे हम क्या? आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं, 500 रुपया शनिवार को मिला था, इसके बाद नहीं मिला। तो खाना कैसे बन रहा है? बस उसी से अभी तक गुजारा किया है, अब नहीं है। अब पैसा खत्म हो चुका? अब पैसा खत्म हो चुका। तो कैसे जीवन यापन होगा अब? कैसे वही लिए तो हम परेशान हैं सर। ठीक, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहराइच। आवागमन बंद होने की वजह से अब यह मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन जाए तो जाए कैसे? खास बात यह है कि ठेकेदारों के पास इनके आधार कार्ड और अन्य जरूरी सामान भी रखे गए हैं। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी राजकीय निर्माण निगम को दी थी। राजकीय निर्माण निगम ने आंध्रा की कंपनी सीमांश इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को पूरी तरीके से इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। कंपनी में कुल 13 ठेकेदार काम कर रहे हैं। इन्हीं ठेकेदारों के मातहत और मजदूरों के बदौलत यह काम बड़ी ही तेजी से चल रहा था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस विकास का पहिया भी थम गया और अब मजदूर परेशान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से अपने घर वापस करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु अपील कर लिया है। ग्लोबल भारत समझ खबर की।